आज मैं देसी लुक गमछा और लुंगी पहन के आप लोग को ब्लॉग में दिखने वाला है। देखिए बहुत ही भयानक लुक में। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आप लोगों के बीच बहुत ही बढ़िया व्यू दिखाने के लिए मैं बहुत ही दूर आ चुका हूँ, क्योंकि मैं अपने खेत तरफ आ चुका हूँ, गाँव के थोड़ा ही दूर में। और मैं आप लोग को दिखाने, मैं कितना जंगल में चल रहा हूँ। देखिए बहुत ही खेत तरफ, देखिए ये आली आली में बहुत ही जंगल भी है। चलने में तो थोड़ा डर बहुत लगता ही है, और क्या बताएं कि मैं आज खेत तरफ से आप लोग को दिखाने जा रहा हूं कि मैं आज कहां आ चुका हूं। सो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कितना भयानक जंगल जंगल लग रहा है, देखिए। इधर छोटा मोटा तालाब भी है जिसको पोखर बोलते हैं हम लोग। इधर हम अपने खेत तरफ आ चुके हैं। बहुत ही बढ़िया व्यू दिख रहा है। धूप भी बहुत निकल चुका है, और अभी हम लोग के इधर धान भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया लग चुका है एकदम खेत में। ये क्या बोलता है, कलाई बोला जाता है, हम लोग कलाई बोलते हैं इसको। देख लीजिए कितना बहुत ही भयानक जंगल है। देखिए हमें इसी में चल रहा हूँ और दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि मैं आज खेत तरफ में थोड़ा घूमने आ चुका हूँ खेत तरफ। और इधर ये हम ही लोग का खेत, इधर बहुत जंगल है। यहाँ भी एक पोखर है। चलिए मैं आप लोग को भी, मेरे बीच बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। अच्छे लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आज बहुत ही अच्छा प्लेस में आ चुका हूँ, और आप लोग देखिए मैं लुंगी में कैसा लगता हूँ आप लोग कमेंट में बताइए, क्योंकि मैं आज लुंगी पहन कर घूमने का शौक रखता हूँ। और आप लोग देखिए कि मैं बहुत ही दूर है, मतलब गाँव से दूर ज़्यादा नहीं है, बस 2-3 किलोमीटर दूर हूँ एकदम खेत तरफ। और वीडियो में ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं आ गया हूँ, लेकिन नहीं, गांव का ही अगल बगल में हूँ। और यहाँ एक पोखर है, मैं इधर ही घूमता हूँ अपनी ज़मीन के इधर ही। और हाँ, मैं लुंगी में देखा, आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। मैं देसी स्टाइल में माथे में गमछा बांध कर घूमने गया हूँ, क्योंकि हम लोग तो बिजेरिया और सौरभ जोशी और मनोज दे जैसा ब्लॉगर नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग को बहुत ही अभी मेहनत करना पड़ेगा। और जितना हो सके हम लोग कर सकते हैं, देखते हैं कितना हम लोग आप लोग के लिए ब्लॉग बनाकर आप लोग को दिखाने का कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी तो सौरभ जोशी हो गया, बिजेरिया हो गया, मनोज दे, झारखंड का तो मनोज दे अभी सबसे बेस्ट है। आप लोग भी हम लोग को सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा ये दीजिए। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूं कि चलिए भाई, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर। हम लोग तो अभी खेत तरफ है, इसीलिए मैं अभी घर निकलने जा रहा हूं। देखिए बहुत ही भयानक जंगल है इधर, जंगल से ही पार होकर जाऊंगा। और हम लोग तो मनोज दे और विजय रिया जैसा हम लोग ब्लॉग नहीं बना सक रहा हूँ अभी तक, क्योंकि वो लोग भी छोटा से बड़ा हुआ है। लेकिन हम लोग को भी प्रयास करना पड़ेगा, जैसे ही धीरे धीरे प्रयास करूंगा मैं लोग, वैसे ही धीरे धीरे मैं आप लोग को भी दूर दूर का ट्रिप दिखाऊंगा। और देखिए धान का खेत, इधर थोड़ा धान खराब हो चुका है, इधर भी है थोड़ा धान खराब हो चुका है। और वीडियो में बने रहे, आजकल यूट्यूबर बहुत हो चुका है, और आप लोग भी वीडियो को सपोर्ट कीजिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा वही बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वीडियो ग्रो नहीं हो रहा है, वीडियो वायरल नहीं हो रहा है। आप लोग का प्यार और सपोर्ट चाहिए। हाँ, और
इधर से बहुत कादा है, नहीं जा सकते हैं, घूम के जाने पड़ेगा, जंगल जंगल। और हम लोग तो बहुत ही दूर दूर से कहाँ कहाँ जाता हूँ वीडियो के लिए, लेकिन क्या मैं ही बताऊँ, आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मैं फर्स्ट ब्लॉग भी कर चुका हूँ, थ्री लेयर चल रहा है फर्स्ट ब्लॉग जुनून, जैसे कि दिखा रहे हैं आपको रोज रोज वीडियो, डेली ब्लॉगर। धान का खेत देख लीजिए, खेत में अभी पानी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बिट्टू, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, बाय बाय, टाटा।